जो हमारा विषय है वो है हे जवान। हालेलुया। आज जवानों के ऊपर हमारा सब्जेक्ट है हे जवान सावधान। हालेलुया। विश्राम करने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है, आइए एक उदाहरण के साथ हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 34 अध्याय 1 से 3 तक। दूसरा इतिहास की पुस्तक खोलेंगे सब लोग और 34 अध्याय ऊंची आवाज से कोई पढ़ने में मदद करेगा। 1 से 3 पद तक। 1 से 3 तक। हाँ, दूसरा इतिहास 34:1-3। जब यशायाह राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। हाँ, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वो भी चला करता था और उसमें उससे ना तो दाहिने ओर मुड़ा और ना बाईं। आमीन। हालेलुया। कितने वर्ष का था ओशिया? जब होशिया 8 वर्ष का था तब वो राज्य करना। वो 8 वर्ष, कितने बड़े बच्चे हैं यहाँ? 8 साल के बच्चे जरा हाथ उठाएंगे। 8 साल का कोई है? दृष्टि है, खड़े हो जाओ अपने जगह पर। ये है, आप सोच लो पूरे देश का राज्य करने के लिए राजा बना दिया जाए तो क्या हाल होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब योशिया राज करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था और उसने न तो दाहिने और मुड़ा और न बाईं ओर। दाहिने और बाईं ओर मुड़ने का मतलब समझते हैं, है ना? टेढ़ा नहीं चला। कहते हैं बड़ा टेढ़ा चल रहा है, तो टेढ़ा चलने का मतलब हम क्या समझते हैं? वो सीधे सीधे मार्ग पर नहीं चल रहा, अच्छे मार्गों पर नहीं चल रहा है। हम कहते हैं कि वो गलत मार्गों पर चल रहा है, समझ रहे हैं? तो सीधे दाऊद जैसा चलता रहा, भय मानकर चलता रहा, वैसे ही ये योशिया चलता रहा। 8 वर्ष का लड़का कैसे सोचता होगा, क्या सोचता होगा, क्या करता होगा, जबकि बाइबल में यीशु के बारे में भी लिखा हुआ है कि बालक बुद्धि में और आत्मा में दोनों में क्या होता गया? बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह दोनों में क्या करता गया? बढ़ता गया। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियों, वही यीशु कहता है मुझे भाई और कहने में लजाता नहीं है। क्या क्या कहने में नहीं लजाता है? वो हमें अपना भाई कहने में नहीं लजाता है, क्योंकि वही वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर के राज्य में हम परमेश्वर के क्या है? बेटे हैं। हालेलुया। इसलिए वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं है। जो आत्मा परमेश्वर ने यीशु को दिया था वही स्पिरिट परमेश्वर ने हमें भी दिया। हालेलुया। बोले सुमसीह के। तो आप ये ना सोचे मैं कैसे करूंगा, आप ये नहीं सोचे मेरे से नहीं होगा, आप ये नहीं सोचे ये तो असंभव है, आप ये नहीं सोचे नहीं हो सकता है, पर ये सोचे
कि मेरे अंदर वही यीशु की आत्मा है। जिस प्रकार यीशु बुद्धि में, पवित्रता में, परमेश्वर में, मनुष्य के फेवर में बढ़ता गया, वैसे मैं भी बढ़ता चला जाऊं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। आपको और हमको क्या करना है? यीशु मसीह में बढ़ना है। कई लोग यहाँ पर बैठे होंगे, कह रहे होंगे कि मैं तो 80 साल का हुआ, 70 साल का हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप उस दिन को जोड़ो जब प्रभु में आप आए हो, कितने साल हो गया। हालेलुया, यीशु में आए किसी को 10 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, मुझे 20 साल हो गया, किसी किसी को 10 साल, 15 साल, किसी को 2 साल, 1 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल हुआ होगा। हालेलुया, अभी हम बालक ही हैं, यीशु में पैदा हुए हैं, कोई कोई बढ़कर थोड़ा जवान हो गया है। हालेलुया, तो क्या करना है हमको? यीशु में बुद्धि और पवित्रता में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह दोनों में बढ़ते चले जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये ना सोचे कि अब बड़े हैं, अब ये सोचे कि जितने उम्र, जितने साल आप प्रभु में आए हैं, आप उतने साल के अभी आत्मा में बढ़ रहे हैं, आपका आत्मा भी उतने ही साल का प्रभु में है, और आपको भी बुद्धि, प्रवीणता और परमेश्वर के सामर्थ और मनुष्यों के फेवर में बढ़ते चले जाना है। तो क्या हुआ ओसिया? क्या हुआ? 8 वर्ष में राज्य करने लगा। जब हम 3 पद पढ़ते हैं, वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि उसने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब 16 साल जब होने वाला था, हालेलुया, तब वो संसार और बेकार की बातें की खोज नहीं की, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। आज हम अपने बच्चों को कह देते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, बाद में धीरे धीरे सुधर जाएगा। अगर आज हम उसको नहीं सिखाएं, तो बड़ा चल के, बड़ा होने के बाद वो परमेश्वर की नहीं, वो संसार की और संसार की चीजों की खोज में लग जाएगा। ओसिया 8 वर्ष से राज करता रहा, 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष बीतने से पहले ही वो परमेश्वर की खोज में लग गया। मैंने आज प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे ही उम्र बढ़ता है, जैसे ही जवानों में, मतलब बच्चे से वो जवान होते हैं, जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जब अच्छे दिखने लगते हैं, थोड़ा सुंदर दिखने लगते हैं, चेहरे पर ग्लो आने लगती है, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगता है, तो परमेश्वर की खोज नहीं, दुनियावी चीजों की खोज करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन योशिया दुनियावी चीजों की नहीं, वो तो राजा है, राजा। हालेलुया, उसके बहुत सारे जो राजा हुए इज़राइल में, उन्होंने दुनियावी चीजों की खोज करना चालू कर दी, वे विचार में गिरे, पाप में गिरे, अंधकार में गिरे, लेकिन ये 16 साल का लड़का परमेश्वर की खोज करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और जो असेरा नामक देवी थे, उनकी सारी लाटों को, उसके सारे जो गुम्बटों को, उसके सारी चीजों को उसने तोड़ दिया, यहाँ तक कि पिसवा कर बुकनू करके उसे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जीवित परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं, जीवित परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, जीवित परमेश्वर कहीं जगह जगह नहीं, पर जीवित परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। तभी बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है? जब यह सवाल पूछा जाता है, क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते।
हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि वास्तव में परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किधर रहता है? किधर रहता है? हमारे अंदर है। तो राजा ने इस प्रकार काम करना चालू कर दिया। जब वह 26 वर्ष का हुआ, 8 पद में, फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र सपान और नगर के हाकिम मासेस याह और यो हाज के पुत्र इतिहास के लेखक योहास को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। सारी सफाई करके, सारे घर का कूड़ा निकाल कर, सारी गंदगी को सफाई कर दिया देश से। इसके बाद बोला कि भवन का मरम्मत करो, जो टूटा फूटा है, जो बिखरा हुआ है, उसका मरम्मत करो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक छोटा बालक, अपने जीवन में इस प्रकार का कदम उठाता है। आज प्रत्येक जवानों से कहना चाहता हूं, तुम में वही सामर्थ्य है, वही ताकत है बड़े काम करने की। पर हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। वही ताकत है, वही सामर्थ है। मैंने बताया था कि कमजोर से कमजोर एक सामर्थी जाति बन जाएगा। कमजोर से कमजोर, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो, चाहे वो बुद्धि में कमजोर हो, अगर वो परमेश्वर में हो ना, तो एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर ने इज़राइल को चुना। क्यों चुना? अब्राहम का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई अपना पहचान था क्या कि अब्राहम किसी देश का राजा है? अब्राहम को चुना, भैया वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है या बहुत बड़ा सामर्थी आदमी है? नहीं, एक साधारण परिवार में अब्राहम रहता था और परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया। फिर इसके बाद उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसको चुना परमेश्वर ने। एक निर्बल, बाइबल तो कहती है, हे कीड़े सरीखे याकूब, क्या कहती है? हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, मत डर, तेरी सामर्थ तो कम है। ये वचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। कहता, तेरी सामर्थ तो कम है, लेकिन मैंने तुझे एक थ्रेसिंग मशीन बनाया है, जो पहाड़ों को, पहाड़ियों को थ्रेस करके उसको एकदम समतल बना देगा, भूसी कर देगा। हालेलुया। इसलिए नहीं कि याकूब मजबूत है, इसलिए नहीं कि याकूब ताकतवर है, इसलिए नहीं कि याकूब बुद्धिमान है, पर इसलिए कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, इसलिए कि वो परमेश्वर की खोज में है, इसलिए कि वो आज्ञाकारी है। कहता है, मैं सब तुझे बना दिया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको किसी ने कहा तुम निर्बल हो, दुर्बल हो, कमजोर हो, प्रभु में अपने आप को मजबूत करो। मैं निर्बल, मैं दुर्बल, मैं कमजोर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू कीड़े सरीखे जरूर है, लेकिन मैंने तुझे ऐसा बनाया है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़े बड़े पहाड़ों को तू रौंद देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी क्षमता से करने जाओगे, हार जाओगे। आप अपनी ताकत से लड़ोगे, आप हार जाओगे। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आप हार जाओगे। हालेलुया। हार रहे थे इज़राइली जब गोलियत को ललकारते हुए देखते थे, डर जाते थे। बाइबल में लिखा है, सारे लोग जब गोलियत खड़ा होता था, जब
घुस जाते थे। हालेलुया। लेकिन एक छोटा जवान लड़का, उसने कहा तू भाला सांग तलवार लेकर आता। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला समयल उसका 17वां अध्याय, बहुत अच्छा जवाब दाऊद गोलियत को देता है। 45 पद, 17:45 ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है, लेकिन सुन, न तो मैं भाला लेके आऊंगा और न ही तलवार लेके आ रहा हूँ, नहीं तो बड़ी ढाल लेकर आ रहा हूँ, नहीं तो सांग लेकर आ रहा हूँ। मैं अगर आ रहा हूँ ना, तो सुन, अपनी ताकत बल सामर्थ बुद्धि किसी चीज से नहीं आ रहा हूँ। अगर मैं तुझे मारूंगा ना, तो वो नाम है सेनाओं का यहोवा। मैं तुझे सेनाओं के यहोवा के नाम से मारूंगा। हालेलुया। कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत अच्छी, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने क्या किया है। ए सुन गोलियत, तूने मुझे नहीं ललकारा। गोलियत, तूने इजरायलियों को नहीं ललकारा, तूने सीधे उसके प्रधान को अर्थात परमेश्वर को ललकार दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब अपने सामर्थ्य से आप लड़ने जाओगे तो आप उसके साइज को देखकर डर जाओगे। समझ गए कि नहीं? प्रॉब्लम को देखोगे, कहोगे ये जॉब मेरे लिए नहीं है, ये तो बहुत बड़ी है। आप कहोगे ये तो एक काम बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले सुमसीह के। लेकिन जब आप कहोगे परमेश्वर तेरे नाम से जाता हो, तो आप परमेश्वर को देखोगे कि परमेश्वर इस सब समस्या से ऊंचा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन का मेरे लिए हो सकता है, डॉक्टर के लिए हो सकता है, वैज्ञानिकों के लिए हो सकता है, ज्ञानियों के लिए हो सकता है कठिन, पर परमेश्वर के लिए ये काम कठिन का नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। मेरे लिए कठिन हो सकता, पर परमेश्वर के लिए नहीं हो सकता। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों, अपने सामर्थ को जो परमेश्वर में है पहचानो कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। अंतर कहां था पता है? अंतर कहां पे होता है? बोलिए अंतर। हमारे विचारों में, समझ गए कि नहीं? दाऊद के भाई लोग लड़ाई में युद्ध में माहिर थे। क्या थे? पर उनका विचार क्या था? वाह, इस आदमी को तो हम नहीं मार सकते भाई, ये 10.5 फुट का आदमी और इसके इतने बड़े बड़े भाला, ये तलवार, और इसका तो इतना बड़ा ढाल है कि एक आदमी लेकर चल रहा है इसके आगे आगे, ये कैसे मैं इसको मार सकता हूं। लेकिन दाऊद ने कहा मैं इसके ऊंचाई चौड़ाई लंबाई वजन को कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि परमेश्वर इसको तो ऐसा मारेगा कीड़े पतंगे के समान, चींटियों के समान, इनका पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप कैसे देखते हो, आप क्या सोचते हो, वो आपको वहां तक ले जाएगा। अगर आप अपनी नजर से देखे हो तो आप कीड़े पतंगे हो, पर अगर परमेश्वर के नजर से देख रहे हो तो आप दानों से भी महान सामर्थ्य, गोलियत से भी ज्यादा सामर्थ्य। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ए जो जवान है वो अपनी जवानी को तुच्छ ना जाने, अपने इस उम्र को, अपनी इस ताकत को बेकार ना गवाएं। हालेलुया।
एक समय ऐसा होता है जब मनुष्य दौड़ सकता है, भाग सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो कहते हैं, बेटा जब तेरी उम्र में थे तो हम तो ये करते थे। पुराने लोगों से आप मिलोगे, तुम तो अभी 50 किलो उठाने में जवान आदमी, तुम लोगों को ऐसा हो रहा है, हम तो क्विंटल क्विंटल उठा के चले जाते थे। हालेलुया। गांव में सही में पुराने लोग बताते हैं कि एक एक क्विंटल के बोरियां दो ऐसे अपने कांधे पर, वो क्या करते हैं पता नहीं क्या होते थे, कांवड़ वगैरह होता था उस पे, वो लाद के ऐसे टांग के ले जाते थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 50-50 किलो उनके लिए ऐसे नॉर्मल सा लगता था, लेकिन आज 50 किलो भी बहुत वजन लगता है। तो जब अपने बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं, कैसे जवान हो तुम लोग, पहले देखो हम लोग कैसे काम करते थे। लेकिन एक बात नोटिस करने की, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो अब बोलते हैं कि अब तो मैं क्या हो गया हूँ, अब क्या हो गया हो, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा काम करने के दिन गए हैं। इसका मतलब जवानी के दिनों में जब ताकत था, वो समय था जब आदमी कितना भी काम कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। कभी ये मत सोचो बाद में करूंगा, कभी ये मत सोचो 2 साल बाद करूंगा, कभी ये मत सोचो अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन ये सोच के चलो परमेश्वर ने आज ही वो समझ दिया है जब परमेश्वर की महिमा के लिए हमें खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, दौड़ना है, भागना है। हालेलुया। अगर व्यक्ति ये सोच ले कि परमेश्वर ने आज ही वो समय दिया है अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए, वो व्यक्ति असफल नहीं, वो व्यक्ति असफल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप असफल होना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को क्या कीजिए, बदलिए। पढ़ेंगे शुभोपदेशक 11:9-10। शुभोपदेशक 11:9-10। जी, जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। एक बैंग टाइप का जब होता है ना, ठीक है बच्चों को खूब मस्ती कर लो, कर लो, पता चलेगा, है ना। परमेश्वर का जब ये कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान ने इसको लिखा है, उसको बड़ा अनुभव हो गया है, क्या हो गया है, है ना। कुछ लोग अपने अनुभव से बात करते हैं ना, सुलेमान तो खैर परमेश्वर का ईश्वरीय ज्ञान उसके पास था, पर आज अनुभव से बात कर रहा है, कह रहा है कर लो मनमानी। हालेलुया। लेकिन ये भी जान लो कि इसका न्याय होगा, तुम्हारे हर मनमानी का क्या होगा, न्याय होगा। कर लो भाई। कई लोग कहते हैं, अरे यही तो समय है खेलने खाने का, खेलने खाने दो बच्चों को, घूमने फिरने दो। कह रहा है इसका भी न्याय होगा। इसलिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिए, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और ये अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन सोच ले। हालेलुया। लेकिन सोच ले, यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हम ऊपर पढ़ रहे थे तो बड़े अच्छे लग रहा था, ये जवान अपने में मगन रह,
जवानी के दिनों में मगन रह, मनमानी कर, जैसा मन चाहता है देख ले। लेकिन जब आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भैया वो नहीं कह रहा है कि कर लो, कह रहा कर रहे हो तो करो, लेकिन न्याय तुम्हारा जरूर होगा। ये समय होता है जब शैतान हमको डाइवर्ट करता है। यह समय होता है जब शैतान जो है अपनी योजनाओं को हमारे अंदर डालने की कोशिश करता है। यह समय होता है जब शैतान हमको भरमाने की कोशिश करता है। नहीं ऐसा कर लो, नहीं इधर चल लो, नहीं ये भी ठीक है, नहीं वो भी ठीक है, दुनिया कर रही है तुम भी करो। क्या तुम दुनिया के जैसा करना चाहोगे? हालेलुया, हम स्पेशल है भाई, स्पेशल विशेष है। जैसे दुनिया करती है वैसे नहीं, जैसा हम करेंगे दुनिया फॉलो करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या एक मिसाल बनना चाहते हैं? हम गाना गाते हैं, क्या कहते हैं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनू, तू कामिल है मैं भी कमाल बनू। हालेलुया। अरे भाई वो बेमिसाल है तो कम से कम मिसाल तो बनना है अपने लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों नहीं होता है कि लोग एक बड़े ऊंचाई पर जा सके? क्योंकि दर्शन छोटा है। क्या है? दर्शन छोटा है। अगर एक व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति अपनी तैयारी इस प्रकार कर रहा है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, और किसी कारण बस अगर वो चूक भी जाता है तो उसके नीचे के बहुत सारे पद उसको जरूर मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर जिसने अपनी तैयारी की कि मुझे नीचे के पदों में से कोई मिल जाए, तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल नीचे का पद मिलेगा उसे, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं कि नहीं? काम चल जाए, जॉब मिल जाए, बच्चों का ये रहता है बस कैसे पास हो जाए, कुछ भी करके पास हो जाए। भाई पास होने की बात क्यों सोच रहे हो? कुछ भी करके अपने स्कूल में टॉप क्यों नहीं कहते हो कि मैं हो जाए? हालेलुया। मेरी इच्छा यह है, मैं ऐसा मेहनत करूंगा कि अपने अपने स्कूल अपने कॉलेज में टॉप निकलू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के जन पॉल दिनाकर ने अपनी एक बार टेस्टिमनी दी थी कि जब वो जवानी के दिनों में थे तो वो गलत संगति में फंस गए थे, पर उनके पापा डीजस दिनाकरन प्रेयर करते थे, परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में अद्भुत काम कर। क्योंकि ना सबसे बुरी बात किसको लगती है पता है? जवानों को बुरी बात लगती है, तुरंत लग जाती है। उनके पापा ने उनको बोला कई बार, बेटा ये गलत है, पर हम नाराज ज्यादा होते हैं। मैं अपनी अपनी कहानी बता रहा हूँ, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता अपने लाइफ में कि मेरी मम्मी बार बार बोलती थी कि ऐसे लोगों के साथ, लड़कों के साथ मत घुमा करो। तो मैं ये कहता था मेरे दोस्त है वो लोग। तो एक दिन मैं खाना खा रहा था, और खाना खाते समय वो जब ये बोल रही थी ये गलत है वो गलत है, तो मैं खाते खाते प्लेट जो है ना थाली का बहुत जोर से फेंक दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं नहीं खाऊंगा। अरे भैया कोई बड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं क्या? नहीं खाओगे तो कौन सा बड़ा काम? लेकिन हम ये सोच रहे थे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो जब मुझे एक दिन याद आ गया, मैं प्रेयर कर रहा था कि मैं कैसा व्यवहार किया था अपने माँ के साथ, मैं बहुत देर तक रोया, बहुत देर तक। प्रभु मुझे क्षमा कर, कि मुझे नहीं समझती कि वो सही बोल रहे थे। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा बुरा मानने वाले लोग जवान होते हैं, क्योंकि उनको अपनी ताकत पे, अपनी बुद्धि पर, अपने रूप रंग पर क्या रहता है? गुमान रहता है, घमंड रहता है। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर पर घमंड है तो वो उसके पास जो है उस पर घमंड नहीं करेगा। हालेलुया। धनवान अपने धन पर नहीं,
करे, अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। हालेलुया। इस बात पर घमंड करता हूं कि मैं उस खुदावंत को जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मैं इस बात पर घमंड करता हूं उस परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, मैं उसे जानता हूं, इस बात पर घमंड करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घमंड की बात रूप रंग सकल सूरत पैसा रुपया धन संपत्ति नहीं है, परमेश्वर है मेरे घमंड का कारण। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैंने अपने लाइफ से देखा है कि जवान जो हैं माता पिता को भी भला बुरा कह देते हैं, ये सोचकर कि मैं सही कर रहा हूं, मैं सब जानता हूं, तुमको पता नहीं है, आज का जनरेशन अलग है, इस प्रकार कह के आज पल्ला झाल लेते हैं और अपने मार्गों पर चलते हैं। तो सबोपदेशक का लेखक सुलेमान अच्छे तरीके से बताता है, मनमानी कर लो बेटा, कर लो कर लो कर लो, लेकिन इतना जरूर जान लेना इसका भी तुम्हारा न्याय चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। 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 आज हम चाहे ना तो बड़ा काम कर सकते हैं, जब जवान होते हैं ना तो दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जहां 10 केजी उठा नहीं पाते हैं दूसरे लोग, हम 20 केजी उठा सकते हैं, 50 केजी उठा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो क्यों ना करें, ये बल किस काम का, ये बुद्धि किस काम की, जब इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लाइफ में हम बड़े चेंजेस को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। बहुत अच्छी बात। तो इसका न्याय होने वाला है। तो क्या करते हैं जवान लोग, अपनी जवानी के दिन में मौज मस्ती करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, मौज मस्ती, वही कह रहा है, कर ले भाई कर ले। फिर क्या करते हैं, जवानी के दिनों में अपने में मगन है, कहते हैं किसी का परवाह नहीं है, न बाप का परवाह, माँ का परवाह, न बाप का परवाह, न पड़ोसी का परवाह, कहते हैं इनका बेटा तो क्या बन गया है, निर्लज्जित हो गया भाई, और कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसको तो किसी की शर्म लाज, इनकी बेटियां जो बिगड़ चुके हैं, कहते हैं इनको शर्म लाज ही नहीं है, किस लड़के के साथ घूम रही है, किसके साथ घूम रही है, क्या कर रही है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मौज मस्ती में मगन है लोग। हालेलुया। क्या है, मगन है, कह रहा है मगन रहो, तुम आनंद मना रहे हो, पार्टियों में जा रहे हो, नशा कर रहे हो, कर लो जवान, लेकिन सुन लो, इसका तुम्हें न्याय चुकाना, इसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार। शैतान भी इस आंखों को बड़ा इस्तेमाल करता है, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, जवानी में ये आंखें जो परमेश्वर दिखाना चाहता है नहीं देखना चाहती हैं, जो खुद देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए हे जवान, जवानी के दिनों में तू जो कुछ कर रहा है, चाहे तू टाइम पास कर रहा है, लेकिन याद कर ले उसका तुझे हिसाब देना पड़ेगा। क्यों सुलेमान, तुम्हें क्या हो गया है, ये बातें क्यों लिख रहे हो, कह रहे मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अपने जवानी के दिनों में जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, और ना केवल मैं पर मेरा जनरेशन परेशान है। हालेलुया। दाऊद ने 40 साल राज्य किया, सुनिए, पहला राजा जो साउल था उसने 40 साल इज़राइल पर राज किया, 40 साल दाऊद 40 साल राज किया, सुलेमान 40 साल राज किया, लेकिन सुलेमान के पाप के कारण राज्य दो भागों में बट गया। हालेलुया। हालेलुया। हमको ऐसा लगता है हमने तो गलती कर ली, अब बच्चे लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं हो जाएंगे, बाप नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही होगा, ये हकीकत है। आप अगर सही चलोगे,
अपने जीवन को सही रखोगे, आपके बच्चे देखकर डरेंगे, आज नहीं तो कल आपके पद चिन्हों पर जरूर चलेंगे और कहेंगे मेरे पापा जैसे चलते हैं मैं भी चलूं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो जवानी के दिनों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ये होती है, मौज मस्ती होता है, क्या होता है, जो आंखें देखना चाहती हैं, आज आंखें क्या देखना चाहती हैं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, जवानों को फिर से बता रहा हूं, आंखें देखना चाहती हैं बेकार की पिक्चरें, है ना। आज समय ऐसा बुरा आ गया है, मतलब पाप का लेबल बढ़ता चला जा रहा है, अलग ही डायरेक्शन में पाप चला जा रहा है। हालेलुया, इसको थोड़ा बंद कर लेना। थैंक यू जीसस, इसके ऊपर ही नहीं शायद हो रखा, बस ऊपर वाला बटन दबा। ठीक, रियल बस थरियल बस। हालेलुया। तो आज के समय में अलग तरीके से काम हो रहा है, लेकिन 12 पद में, 12 अध्याय के एक पद में भी आगे कंटिन्यू करता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजन हार को स्मरण रख। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समय में किसको स्मरण कर? किसको? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे में परमेश्वर को याद कर जवान, अगर उसको याद करेगा ना, परमेश्वर तुझे ऊंचाइयों पर लेकर आएगा। अगर उसको याद करेगा ना, परमेश्वर उस जगह पर खड़ा करेगा जहां पर तूने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। आपके सोच समझ से परे वो आपके जीवन में काम करने वाला है, आपके जीवन में काम करने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। चलिए और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, किसको याद करना है जवानी के दिनों में? किसको याद करना है? किसको याद करना है? किसको याद करना है? ओहो, सृजनहार को याद करना है, सृजनहार को याद करना है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे बोझ आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अरे वाह, वो दिन क्या थे जब हम पार्टियों में जाया करते थे, वो दिन क्या थे जब जवान लड़के झुंड बनाकर घुमा करते थे, वो दिन जब बुजुर्गी में, परेशानी में, दुख में आ जाएगा तो बस ऐसे ही करोगे। हालेलुया। वो वर्ष आएंगे जिनमें तू कहेगा मेरा मन इनमें अब नहीं लगता, यार पहले ही बहुत अच्छा था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप सही सुधर गए, आज सही सुधर गए ना, आपको उस दिन पछताना नहीं पड़ेगा जिस दिन ये पछताने की बात कर रहा है, उस दिन भी आप आनंदित रहोगे और मगन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तो क्या करना है? तिमोथी एक जवान लड़का है, एक पास्टर है। सबसे ज्यादा चुनौतियां एक पास्टर, एक इवांजलिस्ट, एक प्रार्थना योद्धा जो परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, उनके जीवन में चुनौतियां आती है। इवन दो जवान विश्वासियों के लाइफ में चुनौतियां आती हैं, जवान लड़के लड़कियों के जीवन में चुनौतियां आती। तिमोथी एक जवान है जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है। पौलुस का एक आत्मिक पुत्र है और साथ ही साथ कलिसियाओं में अलग अलग जाकर जगहों पर परमेश्वर के वचन को सिखाता, लोगों को ट्रेंड करने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। पौलुस इसके बारे में पहला तिमोथी 4 के बारे में क्या कहता है, सुनिए, पढ़िए 4:12। वो ये तेरी जवान
हाँ और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने। हालेलुया। मेरे साथ बोलेंगे जितने जवान हैं, कोई मेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए मैं आदर्श बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है जवान तिमोथी, कोई भी तेरे जवानी को तुच्छ ना जाने, कोई भी तेरे ऊपर उंगली उठाने ना पाए। तो तुझे क्या करना है ऐसे समय में, क्या करना है ऐसे समय में? वचन पर ध्यान दे। क्या कर, क्या कर? वचन हमको पाप करने से रोकता है। बोलिए, वचन हमें पाप करने से रोकता है, बचाता है। पढ़ेंगे वचन, इसको खोले रखेंगे। भजन संहिता उसका 119 का 9 और 11 दोनों पढ़ेंगे। जी हाँ, जवानी अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को, सवाल पूछ रहा है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे? जी हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। ओ हालेलुया, संभव है, संभव है कि हम अपने चाल को क्या कर सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं। ये संभव है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से हम पाप में तब गिर सकते हैं, हम अपराध में तब गिर सकते हैं, हम गंदगी में तब गिर सकते हैं जब हमारा ध्यान वचन से हटने लगता है। हालेलुया। हमारा जब ध्यान वचन से हटने लगता है तब हम गलत कामों में जाने लगते हैं। हालेलुया। पिछली बार मैं बता रहा था कि जवान किस प्रकार से धीरे 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 अकेले होना चालू कर देते हैं। वो अपने मम्मी पापा से फिर ज्यादा बातें नहीं करते, धीरे धीरे मोबाइल में ज्यादा आ जाते हैं। फिर इसके बाद कई जवान तो भैया रजाई ओढ़ कर अपना मोबाइल देखते रहते हैं, कहते ठंडा भी लग रहा है और मोबाइल भी देख रहे हैं। इस प्रकार से फिर दो रूम है जिनके यहाँ, तीन रूम है तो वो अकेला रूम खोजने लगता है कि उसी रूम में जाके सोऊंगा। मम्मी पापा मैं बड़ा परेशान होता हूँ, इधर हल्ला हुल्ला होता है, मैं एक रूम में क्या परमेश्वर की प्रार्थना करने जा रहे हो कि एक रूम में तुम कहीं मूवी देखने जा रहे हो? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जवान को बड़ा सावधान रहना है। वचन बढ़ता रहेगा तो वो बचा रहेगा, वचन उसको संभालेगा, वचन प्रोटेक्ट करेगा, वचन उसको अगुवाई करेगा क्या गलत है क्या सही है। मन करेगा, ऐसा बात नहीं है कि मन तो सब बातों में क्या है, क्या है, सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? पड़ोसी, घर वाले। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है मन है, मन, मन धोखा देता है। ये मन बड़ा भागता है, विचलित है, इधर उधर जाता है। इसमें तो वचन जब परमेश्वर लिखा रहा है तो कहता है कि ये असाध्य रोग लग गया है। असाध्य रोग समझते हैं, जिसका कोई, अरे अब तो कोढ़ का भी इलाज हो गया है। और हम, मैं न्यूज में देख रहा था कि पहला व्यक्ति औरत कोई है जो आज एड्स से भी चंगी हो गई है पूरी तरीके से, पहली बार मेडिकल साइंस के अनुसार। वैसे प्रार्थना के अनुसार तो बहुत सारे लोग चंगे हो गए। हालेलुया। तो
असाध्य रोग जिस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, ऐसा हमारा मन है, ऐसा हमारा मन है। लेकिन इसके लिए भी मेडिसिन है परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन इसके अंदर जाता रहेगा तो परमेश्वर का वचन आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा और आपको बचाता रहेगा, आपको संभालता रहेगा। वचन, जी हाँ, 11 पद भी पढ़ देंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना। मैंने, बोलिए, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन घुस गया है ना, तो आप गलती नहीं कर पाओगे। गलती कौन करता है? जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन घुसा नहीं है। हो सकता है उसने पढ़ा है, हो सकता है उसने सुना है, हो सकता है वो जानता है, पर उसके हृदय में वो घुसा। हालेलुया। दोनों में अंतर है, याद करना, जानना, समझना, वो अंतर है, लेकिन उस वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, वो चीज अलग। अगर वचन हिस्सा बन गया है तो वो आपको हर बुराई से रोक देगा, आपको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? वचन पढ़ना है, दूसरा चाल चलन को भी ध्यान देना है। क्या करना है? चाल चलन को भी ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा है जब मन परिवर्तन होने लगता है, मन बदलने लगता है, तो हम धीरे धीरे हमारा चाल चलन भी बदलना चालू होता है। तीसरी बात कह रहा है, प्रेम तुम्हारे अंदर हो, ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, फुटधर्म ना हो, कड़वाहट ना हो, डाह ना हो, तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हालेलुया, प्रेम होना चाहिए। ये संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा है, ये शारीरिक प्रेम की नहीं बात कर रहा है, ये ईश्वरीय प्रेम की बात कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर लोगों के प्रति बोझ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर लोगों के प्रति दया होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर नाश होती आत्माओं को बचाने का बोझ होना चाहिए। प्रभु तू इस्तेमाल कर, हमें इस्तेमाल कर, बहुत सारे लोग बचाए जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा ये है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वालों की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, चाल चलन, प्रेम और विश्वास का भी ध्यान रखना। अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, अपने विश्वास में डगमगाओ मत। अगर आप खड़ा हो ना, आज आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मैं गारंटी देता हूं आने वाले दिन में उसका रिजल्ट आप देखोगे। कटनी काटोगे और काटते चलते जाओगे, क्योंकि जो तुमने बोया है उसका कटनी निश्चय काटोगे। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, आपने जो बोया है तो आप जो काटोगे, आपने गेहूं बोया है आप गेहूं काटोगे, आपने ऊंट कटारे बोई है ऊंट कटारे काटोगे, आपने बुराई बोया है आप बुराई काटोगे। हालेलुया। लेकिन कटनी जरूर काटोगे, चाहे वो भलाई की कटनी हो, चाहे वो बुराई की कटनी हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जरूर काटोगे, इसलिए विश्वास में मजबूत हो जाओ, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। क्या बन जाओ? आदर्श। मेरे बेटे का नाम आदर्श है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आदर्श बन जाओ। आदर्श का मतलब दूसरे के लिए एक नमूना बन जाओ, एक मिसाल बन जाओ। वो बेमिसाल है तो आप क्या बन जाओ? मिसाल बन जाओ। लोग देखकर कहें कि उनके जैसे चलना है, लोग देखकर कहें कि उनका अनुसरण करना है, लोग देखकर कहें कि मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। एक मिसाल बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
इन दिनों में मैं आपको बताऊं, जवान हो चाहे कोई भी हो, तीन बातें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डालती है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शारीरिक लालसा। ये तीन चीज शैतान का एक हथियार है। पहला यूहन्ना 2:16 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:16, पहला यूहन्ना 2:16 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। ये संसार हमको किस तरफ खींचता है, क्या दे रहा है? आंखों की अभिलाषा दे रहा है, शारीरिक लालसा दे रहा है, और जीविका का क्या दे रहा है? घमंड दे रहा है। ये पाप की ओर खींचता है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन ये संगति पर असर करता है कि आप कैसे बढ़ते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? क्या कर देती है? क्या कर देती है? क्या कर देती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को, मतलब अगर आप बुरे लोगों के साथ रहना चालू कर दोगे तो धीरे धीरे उसका माइंड भी आपका माइंड बनने लगेगा, धीरे धीरे उसके विचार आपके विचार बनने लगेंगे, धीरे धीरे वो जैसा चल रहा है वैसा चलने लगोगे। अगर बुरी संगति में हो तो आपका चरित्र बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर अच्छी संगति में हो तो धीरे धीरे, अगर बुरे हो बिगड़े हुए हो तो भी धीरे धीरे आप सुधरना चालू कर दो। आमीन। हालेलुया। 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 एक संडे में प्रचार करूंगा कि उत्तम दोस्त का चुनाव कैसे करें, सही लोगों का चुनाव कैसे करें, सही फ्रेंड का चुनाव। आप जवानों को देखो फांसी लगा ले रहे हैं, जवानों को देखो एसिड पी ले रहे हैं, जवानों को देखो गाड़ी के नीचे आके मर रहे हैं, ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं, कोई मेट्रो में कट रहा है, कोई क्या, कहां से धोखा दे दिया किसी ने, जिसे बहुत प्यार करते थे धोखा दे दिया, जिसे बहुत जिसकी मदद की उसने धोखा दे दिया। या तो मरते हैं या तो मारते हैं। कई तो ऐसे होते हैं, तूने धोखा दिया है मैं तुझे छोड़ूंगा, और कई ऐसी घटनाएं हुई कि मार दिए। सोच लो। लेकिन परमेश्वर हमें सही लोगों का चुनाव करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे पास ना एक गाइड बुक है। हालेलुया। हमारे पास एक गाइड बुक, इसमें लिखा है, लोगों का चरित्र लिखा है, लोगों की आदतें लिखी हैं, कौन व्यक्ति कैसा होता है, कौन कैसा सोचता है, सब कुछ लिखा हुआ है। जब इससे कोई प्यार करने लगता है ना, प्रत्येक व्यक्ति को पहचान लेता है कि कौन कैसा। बोले सु मसीह के, तो इससे प्यार करोगे वचन से ना, ये आपको गाइड करने लगेगा, आपको गाइड करने लगेगा। तो सही संगति होना बहुत जरूरी है। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 27:17। नीति वचन 27:17। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, हाँ, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाए। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, हालेलुया, उसको धारदार बनाता है, वैसे ही मनुष्य की जब वो किसी अपने दोस्त के साथ संगति करता है, वो भी चमकदार हो जाता है। लेकिन कौन से दोस्त की बात कर रहा है, ये भी बड़ा ध्यान रखना है।
अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आपको ऊंचाइयों पर उठा देगा, आपको चमकदार बना देगा। अगर दोस्त आपका बेकार और बुरा है तो आपका जीवन भी नरक बना। आइए, एक सुंदर अच्छे दोस्त जो प्रभु की ओर से आपको परमेश्वर देना चाहता है वो मिले, ताकि आपकी जिंदगी सवर जाए, आपका जिंदगी बेहतर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगली बार जब हम देखेंगे तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी संगति, एक अच्छे लोगों के बारे में देखेंगे, कैसे हम चुनाव करें, कैसे चुनाव करें। लेकिन जवानों, जो भी आज कर रहे हो वो सबका लेखा देना, सबका लेखा। इसलिए मनमानी नहीं, जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करो। क्या करो? परमेश्वर को स्मरण करो, आप पाओगे परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक पिता जब गरीब होता है तो अपने बच्चों को सोचता है कि अपने अपने औकात से बड़ी स्कूल में पढ़ाने की सोचता है ना। अगर वो गरीब है, उसके उसकी सैलरी 5,000 है और 3,000-2,000 वो अपने रेंट में देता है और खाने पीने में, तो भी वो सोचता है कम से कम 500-600 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए वाली स्कूल में तो अपने बच्चे को भर्ती कर ही दे। कोई 10,000 कमाता है तो कहता कम से कम अपने बेटे का स्कूल में 2,000 वाली फीस तक पे करने के लिए रख दें। अपना कहते पेट काट के, हिंदी में मतलब कहते हैं कि मतलब बच्चे बचत करके थोड़ा बच्चों को इन्वेस्ट कर दें। हालेलुया। कोई करोड़पति है तो वो सोचता है ऐसे टॉप स्कूल में पढ़ाएंगे, टॉप स्कूल में। दिल्ली में अगर टॉप स्कूल है तो हम उसमें अपने बच्चों का क्या करेंगे, एडमिशन कराएंगे, चाहे उसमें 50,000 लग जाए, चाहे 1,00,000 रुपए लग जाए। अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, उसका बेटा और बेटी हम हैं, हमारे बारे में कितना बड़ा सोचता है। लेकिन हम ही ऐसे निकम्मे बच्चे हैं कि ये छोटा सोचते हैं। अरे चल इतना ही हो जाए तो ठीक है, उतना ही हो जाए तो ठीक है, तो उसी अनुसार हम काम भी करते हैं। हालेलुया। अगर आप ये सोचकर काम करोगे कि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हो, आप छोटे विचार लेकर चलोगे ही नहीं। आप आलस्य में अपना जीवन नहीं बिताओगे, आप अपना टाइम पास नहीं करोगे, पर आपका तम, आप बड़े लोगों को देखना, उनके पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? कह रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्या करते हो भाई? ये बिजनेस, वो बिजनेस, वहां बिजनेस, वहां बिजनेस, चारों तरफ बिजनेस फैला हुआ है। हालेलुया। उनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जो आदमी नहीं समझता अपने आप को, उसके पास टाइम ही टाइम, वो बेकार के इधर उधर घूमकर अपना टाइम क्या कर रहा है, पास कर रहा है। जबकि वो चाहे तो पढ़ाई में अपना टाइम व्यस्त कर सकता है, चाहे तो वो बिजनेस करके अपना टाइम व्यस्त कर सकता है, चाहे तो वो कोई नई नई चीजें सीख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, चाहे तो वो जॉब कर रहा है इसके बाद भी वो पढ़ाई कर सकता है और अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, चाहे तो वो ऊंचाइयों पर जा सकता है, पर उसके लिए चाहना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड। ओ रबला सखांदोरी अलमा, रे बेले बेसंदोरी अलमा समा। प्रभु आज ऐसा होने दे प्रभु, जिस प्रकार तूने दाऊद से बड़े काम लिए मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार तूने यूसुफ से बड़ा काम लिया परमेश्वर, जिस प्रकार तूने परमेश्वर अपने बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु से काम लिया परमेश्वर, जिस प्रकार तूने परमेश्वर तिमोथी से काम लिया परमेश्वर, जिस प्रकार जवान साउल से आपने काम लिया परमेश्वर, जिस प्रकार आपने योशिया से काम लिया परमेश्वर, तो चाहता है कि वैसे ही जवान बड़े बड़े काम करें, ऊंचाइयों पर जाए परमेश्वर,
अपना टाइम पास ना करें, टाइम व्यर्थ ना गमाए, पर कुछ ऐसा कर जाए कि दूसरों के लिए नमूना बन जाए परमेश्वर, दूसरों